पिता पिता होता है, चाहे वो किसी देश का हो, पिता की भावनाएं एक सी होती हैं, माता पिता की भावनाएं नहीं बदलती। तो तकलीफ उसको अपने बच्चों की भी है, वो आज भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ तक आ जाएं, मेरे बीवी बच्चे वापस आएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। एक मुद्दा है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर उछल रहा है, हर तरफ उसकी ही चर्चा हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की बात की जा रही है। सचिन, जिनका पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर से प्रेम हुआ, उनकी मुलाकात हुई पबजी खेलते हुए, और वो अपने प्यार में इतने ज्यादा अंधे हुए कि वो अपने चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान की से भारत चली आई, और यहाँ भारत में हर व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है, उसके समर्थन में खड़ा है। मैं उसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है कि यदि वो अनमैरिड होती और वो यहाँ आती, सचिन के साथ शादी करती, तो अच्छी बात थी, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, मैं भी उनका समर्थन करता। लेकिन जैसे उनकी कहानी, जो उनके पीछे का अतीत सामने आया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम किसी की भावनाओं के साथ खेल जाएं। सीमा हैदर का पहले निकाह हो चुका था गुलाम हैदर के साथ, जिससे उन्होंने लव मैरिज किया था, प्रेम विवाह किया था, जिसके पूरे सबूत गुलाम हैदर के पास मौजूद हैं, वो दिखा भी रहे हैं। दोस्तों, हर पिता ये चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छा खाना पीना मिले, अच्छा पहने, ये हर पिता की ख्वाहिश होती है, और पिता का ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पूरे परिवार का लालन पालन करे। उसके लिए वो किसी भी तरह से अर्जन करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, ये उसका दायित्व होता है, और परिवार को संभालने का दायित्व माँ का होता है। इन दोनों का जीवन भी ठीक था, चल रहा था, इनके चार बच्चे हैं जो गुलाम हैदर से हुए हैं, जो इनके उनके पिता हैं। गुलाम हैदर कहते हैं कि 4 साल पहले वो शादी के बाद दुबई काम करने के लिए सऊदी चले गए थे। ऐसा नहीं कि गुलाम हैदर ही गए थे, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान से भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते हैं और वहां से पैसा अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, अपने परिवार के लिए भेजते हैं। लेकिन गुलाम कहते हैं कि वो वहां से इनके लिए पैसा भेजते थे, जिस पैसे से सीमा ने पाकिस्तान में एक घर भी खरीदा था। हालांकि वो घर छोटा था, उस घर में रह नहीं रही थी, अलग एक किराए के घर में रहती थी। उसी बीच भारत के रह सचिन की मुलाकात पबजी के द्वारा सीमा से होती है, और ये दोनों लोग प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि सीमा अपने उस पति के विश्वास का खून करते हुए सिर्फ सचिन के लिए अपने चारों बच्चों को लेकर भारत चली आती है। अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, यदि वो सचिन के साथ रहना चाहती है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ सीमा के नहीं थे, वो बच्चे गुलाम हैदर के भी हैं, और वो एक गरीब व्यक्ति है। पिता पिता होता है, चाहे वो किसी देश का हो, पिता की भावनाएं एक सी होती हैं, माता पिता की भावनाएं नहीं बदलती। तो तकलीफ उसको अपने बच्चों की भी है, वो आज भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ तक आ जाएं, मेरे बीवी बच्चे वापस आएं। अभी तो सचिन को भी सब कुछ अच्छा लग रहा है, सीमा हैदर को भी सब कुछ अच्छा लग रहा है, जैसा मैंने उनकी वीडियो में देखा था कि सचिन के पिता भी सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उनको बड़ा दुलार बड़ा प्यार दे रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, मेरे पोते पोती हैं। लेकिन ये महज कुछ दिन के लिए है, अभी सीमा को समझ में आएगा जब थोड़ा समय आगे बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सचिन भी उबेंगे और सीमा हैदर भी उब जाएंगी, क्योंकि उनका ये जो फैसला है, अभी भले पूरे भारत को अच्छा लग रहा हो, पूरे भारत के लोग उनका समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से वो भारत में बहू बनकर आई हैं। हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते, देशभक्ति के नाते, भले हम सीमा का समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक इंसान बनकर आप सोचेंगे तो जितना उसने सही किया, कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के साथ उतना गलत भी हुआ है। उन्हें अपना ये फैसला करने से पहले सोचना चाहिए था, और मैं तो ये चाहूंगा कि अभी भी उन्हें अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सवाल एक पिता और बच्चों का है, एक पिता अपने बच्चों से अलग हो रहा है।
जाहिर सी बात है, जो प्यार उन बच्चों को गुलाम हैदर दे सकते थे, वो कोई और दुनिया में कोई और पिता नहीं दे सकता। क्योंकि मैं खुद दो बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मेरी भावना है, मुझे पता है कि जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं संसार में, वो कोई नहीं दे सकता। तो उन बच्चों को यदि माँ का प्यार कोई दे सकता है, तो वो सीमा हैदर दे सकती हैं, और पिता का काम दे सकता है, तो वो गुलाम हैदर दे सकते हैं। तो मैं बहुत इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता, ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि मुझे गालियाँ देंगे, मुझे हो सकता है कि कोई जिहादी बोले, कोई मुझे पाकिस्तानी बोल दे, और कुछ भी हो, जो भी मुझे कहना चाहे कह सकता है, गालियाँ देना चाहे दे सकता है। ये मेरी अपनी एक फीलिंग्स थी, क्योंकि आज हम सिर्फ देशभक्ति में विभोर होकर हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पति के साथ धोखा किया है। जहाँ हम ज्योति मौर्या की बात करें, जो भारत की ही है, जिन्होंने SDM बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया, हम उनको गलत साबित करना चाह रहे हैं, तो हम सीमा हैदर को भी सही साबित नहीं कर सकते। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो कहती हैं कि मेरा तलाक हो चुका है, जबकि उनका तलाक भी नहीं हुआ है। अब ये दो देशों के बीच की बात है, हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते। सीमा पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, भारत में रहना चाहती हैं तो रहें, लेकिन क्या एक पिता से उसके बच्चों को छीन लेना पूरी तरह से, ये कहाँ तक सही है? या तो गुलाम हैदर को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए, अपने बच्चों से मिल सकता है। एक बार इन दोनों को बैठकर काउंसलिंग करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इनके भविष्य की जो नींव है वो ही गलत है। तो इनका भविष्य क्या होगा आगे, इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या सचिन की उम्र महज 23 साल है, क्या वो इन चार बच्चों को अपने पिता का प्यार दे पाएंगे? अभी भविष्य में आगे जाकर बहुत कुछ होने वाला है, इनके जीवन में बहुत बदलाव होंगे, हो सकता है कि इन दोनों को ही अपने इस फैसले पर पछताना पड़े। तो इससे अच्छा है कि दोनों ही एक बार अपने फैसले पर गौर करें, जिस तरह से गुलाम हैदर अभी भी इनको बुलाना चाहते हैं। तो यदि इनको सुरक्षा की गारंटी ली जाए, तो इन्हें गौर करना